सिगरेट की डब्बी पर 10 रुपए हेल्थ टैक्स, कोल्ड ड्रिंक की 250 मिलीलीटर बोतल पर 1 रुपए का टैक्स लगाया गया है। फैसले पर अमल दरामद करें, काबीना डबी ने वजारत खजाना, सेहत और एफबीआर को खत लिख दिया। हेल्थ टैक्स पर अमल दरामद की रिपोर्ट 7 रोज में तलब कर ली। हुकूमत ने आइंदा बजट में आवाम पर मजीद टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी कर ली। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स पर टैक्सों का बोझ बढ़ाने की तजवीज दे दी गई। गैर रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सारफीन पर सेल्स टैक्स में इजाफे की सिफारिश कर दी। हुकूमत को अपनी नाकामी का एतराफ कर लेना चाहिए। इक्तिसादी रिपोर्ट्स पर पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सेनेटर नजर बुखारी कहते हैं, हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। नाकाम तरीन हुकूमत ने लोगों की जिंदगियां अजीरन बना दी। वजीर आजम साहब, क्या आप अपना घर 1.5 करोड़ में बेचेंगे? बराबरी पार्टी के सरबराह जवाद अहमद ने इमरान खान के बनीगाला के घर की कीमत लगा दी। तंजिया ट्वीट में कहते हैं, वजीर आजम ने अपने घर और आसासों पर झूठ बोला। 300 किनाल के बनीगाला घर की कीमत सिर्फ 1.14 करोड़ लिखवाई। बेशरम लीडर की पहचान, यू टर्न लेना है। हुकूमत ने महंगाई से लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी। एएनपी के सरबरा आसमान यार वाली वजीर आजम पर बरस पड़े। एबीसी में हमारे मुतालबात का ख्याल न रखा गया तो अलग हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी का जबरदस्त एहतजाज। महंगाई के खिलाफ मुजाहरे में सैकड़ों अफराद शरीक हुए। बॉर्डर की सूरत हाल के बायस इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा ने कबाली इजलाम इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त दे दी। 2 जुलाई को कबाली इजला की 16 नशस्तों पर इंतखाबात शेड्यूल हैं। जाफराबाद के इलाके डेरा अलायार मुराद कॉलोनी में रिश्ते के तनाजे पर फायरिंग से मां बेटी कत्ल, जबकि एक बेटी जख्मी हो गई। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाफराबाद में ही फायरिंग करके डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। मकतूल डॉक्टर ताज के वरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। सूरज का मूड आज भी खराब। मुल्क भर में सख्त गर्मी का राज बरकरार। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद में दर्ज हरारत 49 डिग्री तक चला गया। बहावल नगर, लाड़काना, नवाबशाह और तुर्बत में पारा 48 डिग्री को छूने लगा। दादू और रहीम यार खान में दर्ज हरारत 47 डिग्री पर पहुंच गया। सियासी माहौल में गर्मा गर्मी। शहबाज शरीफ का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निशावर की गईं। मियां शहबाज शरीफ की जाती उमरा में वालिदा से मुलाकात। मरियम नवाज से भी मिले।